बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेके आ रहा है शून्य से शिखर का अद्भुत प्रयास। आज हम लोग नीट के इस रिवीजन क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 6 को। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 तक के सभी वीडियोज को यानी रिवीजन कर लिए हैं और सबके प्रैक्टिस पेपर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर फोर फाइव इन दो का रिवीजन भी किए हैं और प्रैक्टिस पेपर भी किए हैं। चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करने चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का रिवीजन नहीं किए हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस पेपर किए थे। ठीक है, एनसीईआरटी हमने बहुत पहले आपको पढ़ा दी थी इसलिए डायरेक्ट रिवीजन किए थे। आज एनसीईआरटी पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि एनाटॉमी से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको पढ़ेंगे और फिर इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको आज प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले देखते हैं एक एक करके। एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। बस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, पहली पॉइंट के पास आ जाइए। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हायर प्लांट। कह रहा है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन किसका, हायर प्लांट का यानी बड़े प्लांटों के बारे में, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, प्लांट हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। प्लांट में सेल पाया जाता है जिसे बेसिक यूनिट हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। सेल आर द ऑर्गेनाइज इन टू द टिश्यू। सेल किस को बनाता है, टिश्यू को बनाता है। एंड टिश्यू टर्न टू द ऑर्गन और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्लांट सो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर। कह रहा है सभी ऑर्गन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स के पाए जाते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर आल्सो सीन इन द एनाटॉमिकली डिफरेंट। कह रहा है कि अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो इन्हें हम लोग बांट देते हैं दो ग्रुप में, एक को कहते हैं मोनोकॉट और दूसरे को कहते हैं डाइकॉट। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो एनाटॉमिकली रूप से दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं यानी अलग अलग पाए जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर सो द एडेप्टेशन ऑफ द डाइवर्स इन्वायरमेंट। कह रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर ही दिखाता है कि अगर एडवर्स कंडीशन है कोई जो है, डाइवर्स इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे कैसे सर्वाइव करना है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं सब हाईलाइट किए गए हैं, आपको सब पता चल जाएगा। पहला देखते हैं टिशू सिस्टम, यहाँ पे किसके बारे में, टिशू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वी विल डिस्कस टाइप ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट। लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लांट बॉडी। कह रहा है प्लांट बॉडी में लोकेशन के हिसाब से पाए जाने वाले टिश्यू के बारे में कंसीडर करने चल रहे हैं यानी स्टडी करने हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द लोकेशन। कह रहा है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल का या टिश्यू का किस पे डिपेंड करता है, उसके लोकेशन पे, याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन दे आर द थ्री टाइप ऑफ द सिस्टम। यानी द एक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड आर फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। यानी तीन प्रकार के टिश्यू हो जाते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा हो जाता है ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और तीसरा हो जाता है वास्कुलर एंड कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। पहले टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट। कह रहा है कि जो इपिडर्मल टिश्यू होता है ये क्या करता है, पूरे आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या करता है, कंपेरिजन ऑफ द इपिडर्मल सेल, ये सभी को ढका रहता है। स्टोमेटा एंड द इपिडर्मल अपेंडेज, ट्राइकोम्स एंड हेयर, ये भी इसी में पाए जाते हैं। ट्राइकोम्स और हेयर जो है किस पे पाए जाते हैं, इसी से पाए जाते हैं। इपिडर्मल टिश्यू और स्टोमेटा भी यहीं पर पाए जाते हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस को आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ द इलांगेट, यह बनी होती है इलांगेट बड़ी कम्पैक्टली अरेंज सेल विच फॉर्म द कंटिन्यूअस लेयर, जो कि कंटिन्यूअस लेयर का निर्माण करती है। एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है। एपिडर्मल सेल आर पैरेन्काइमेटस। एपिडर्मल सेल जो होती है वो पैरेन्काइमा की बनी होती है विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ सेलवाल एंड लार्ज वैक्यूल, और किससे ढकी होती है, सेलवाल से और बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद द वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विद प्रिवेंट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर।
कह रहा है कि आउटर मोस्ट एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड ढकी होती हैं बैक से थिक मोटी लेयर से किसके क्यूटिकल से विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ये पानी के नुकसान को बचाती हैं, ठीक है, द प्रिवेंट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर। आगे क्यूटिकल इज एबसेंट इन द रूट, क्यूटिकल रूट में नहीं पाया जाता, क्यूटिकल इज एबसेंट इन द रूट, स्टोमेटा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट टू द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, कह रहा है स्टोमेटा संरचना होती है जो कहाँ पाई जाती है, ये पत्तियों पे पाई जाती है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, कह रहा है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस, वाटर वेपर इन द लीफ सरफेस, लीफ सरफेस से उड़ने वाले पानी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये स्टोमेटा से होता है, रेगुलेट करता किसको, ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता और गैसेस एक्सचेंज करता है। ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ द टू बीन शेप्ड सेल, कह रहा है प्रत्येक स्टोमेटा दो बीन जैसी संरचनाओं से मिलकर के बना होता है, नोन एज द गार्ड सेल, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। ये किससे ढके होते हैं, इनक्लोज बाय द स्टोमेटल पोर। इन ग्रासेस, अगर घास की बात करें, द गार्ड सेल आर द डम्बल डम्बल शेप्ड, कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड के होते हैं, किसमें, ग्रासेस में, याद रखिएगा। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स इज थिन एंड इनर वॉल टूवर्ड ऑफ द स्टोमेटल पोर इज द हाईली थिक्ड, कह रहा है अगर स्टोमेटल पोर उसके पास होता है तो क्या कह रहा है, गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, अगर उससे दूर होगा तो ये पतली होंगी, अगर इनके पास होगा तो ये क्या होती है, मोटी होती है। द गार्ड सेल पासेस क्लोरोप्लास्ट, कह रहा है गार्ड सेल के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है एंड रेगुलेट टू द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी यहाँ पे। आगे बढ़ जाए, समटाइम ए फ्यू इपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज आर नोन एज द सब्सिडेटरी सेल, कह रहा है कि कभी कभी ये कैसी हो जाती है, विसिनिटी आ जाती है, यानी आप चिपचिपा द्रव्य आ जाता है और तब इसका नाम हो जाता है सब्सिडेटरी सेल के नाम से जानी जाती है। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडेटरी सेल आर टूगेदर कॉल्ड द स्टोमेटल अपरेटस, द सेल ऑफ द एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ द हेयर, कह रहा है कि एपिडर्मिस की सेल जो है नंबर ऑफ हेयर को पाती हैं, बहुत सारे हेयर पाए जाते हैं। द रूट हेयर आर यूनिसेलुलर, रूट के हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इलांगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प टू एब्जॉर्व द वाटर एंड मिनरल, और किसका काम करते हैं, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करने का कार्य करते हैं। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, कह रहा है स्टेम पे पाए जाने वाले एपिडर्मल हेयर को ट्राइकोम्स के नाम से जाना जाता है। द ट्राइकोम्स इन द सूट सिस्टम आर यूजली मल्टी सेलुलर, कह रहा है ट्राइकोम्स सूट सिस्टम का कैसे होता है, मल्टी सेलुलर होता है, दे मे बी ब्रांच्ड, ये शाखाओं में पाए जाते हैं, आर अनब्रांच या तो बिना शाखाओं के पाए जाते हैं, आर सॉफ्ट या तो सॉफ्ट होते हैं या तो स्टिफ होते हैं, दे आर मे बी सिक्रेटरी या तो ये कुछ सिक्रेट करते हैं। इट द ट्राइकोम्स हेल्प टू द प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, कह रहा है ट्राइकोम्स भी मदद करते हैं वाटर को लॉस होने से बचाते हैं, कब, ट्रांसपिरेशन के दौरान। सेकेंड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को छोड़कर के सभी टिश्यू जैसे कि वास्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, वास्कुलर बंडल किसको बनाते हैं, एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, कहता ऑल टिश्यू एक्सेप्ट, सभी टिश्यू छोड़ करके एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के सभी टिश्यू क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंपल टिश्यू सच एज द पैरेन्काइमा, इसके अंतर्गत कौन आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आपको याद होगा आपने नाइन्थ में इसका डिवीजन किया था, तो दो तरह से मेरिस्टमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू करके बांटे थे, तो वहाँ पे ये आया था। लेकिन इस बार अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे 2022-23 की, तो उसमें आपको कुछ इस तरह का सिस्टम दिया गया जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जबकि उसके पहले कुछ सिस्टम बदला हुआ था, वहाँ पे आपका एक एक को पढ़ते थे, पैरेन्काइमा को पढ़ते थे, कोलेन्काइमा को पढ़ते थे, अब बदल करके उनको एक साथ दे दिया गया है और तीनों को एक साथ क्या कह दिए गए, ग्राउंड टिश्यू, ठीक। पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजली प्रेजेंट इन द कार्टेक्स, पैरेन्काइमेटस सेल कहाँ पाए जाते हैं, कार्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में और मेडुलरी रेज में, इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट, और प्राइमरी स्टेम और रूट के इन सभी जगहों पे ये पाए जाते हैं।
इन लीव्स, अगर पत्तियों की बात करें, द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अगर हम पत्तियों की बात करते हैं तो ग्राउंड टिश्यू किससे बना होता है? पतली क्लोरोप्लास्ट की लेयर से बना होता है, कंटेनिंग द कंटेनिंग सेल एंड कॉल्ड मेजोफिल, और इसको क्या कहते हैं? मेजोफिल कहते हैं। अब नंबर आ गया तीसरे का, जिसका नाम होता है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं फ्लोएम और जाइलम। पहली पॉइंट, द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वास्कुलर बंडल। कह रहा जाइलम और फ्लोएम को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? वास्कुलर बंडल कह देते हैं। इन डाइकॉटिलेडनस सिस्टम, अगर डाइकॉटिलेडनस सिस्टम है, ठीक है, कौन है? डाइकॉटिलेडन है। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। कह रहा जो कैम्बियम होगा वो बीच में प्रेजेंट होगा फ्लोएम और जाइलम के। सच वास्कुलर बंडल वी कॉज द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉसेस द एबिलिटी ऑफ, कह रहा कैल्शियम पॉसेस द एबिलिटी फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड हेंस इट इज कॉल्ड ओपन वास्कुलर बंडल। कह रहा कि इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, अतः इसको बनाने की क्षमता होती है, अतः इसे हम लोग ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं। अगर मोनोकॉटिलेडन की बात किया जाए, इन द मोनोकॉटिलेडन द वास्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम। वास्कुलर बंडल में कोई भी कैम्बियम नहीं पाया जाता प्रेजेंट इन देम, हेंस सिंस डू नॉट सेकेंडरी टिश्यू एंड रिफर टू एज द क्लोज्ड। कह रहा कि ये दूसरे सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाते हैं, अतः इसे क्लोज वास्कुलर बंडल के नाम से जाना जाता है। When जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वास्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोएम वास्कुलर बंडल के अंदर होते हैं, आर अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर, अल्टरनेट मैनर में अरेंज हों एलॉन्ग द डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज द कॉल्ड रेडियल सच एज इन द रूट। कह रहा है कि अगर अलग अलग रेडियाई में अरेंज हो तो उसे रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, और एक किस में पाया जाता है? रूट में। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ द वास्कुलर बंडल, अगर कंजॉइंट टाइप का वास्कुलर बंडल होगा, द जाइलम एंड फ्लोएम आर ज्वाइंटली सिचुएटेड अलॉन्ग द सेम रेडियाई, तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियाई में पाए जाएंगे, और ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग कंजॉइंट टाइप का वास्कुलर बंडल कहते हैं। ये कहाँ देखा जाता है? वास्कुलर बंडल कॉमन इन द स्टेम एंड लीव्स, और ये कहाँ पर देखा जाता है? स्टेम और लीव्स में। द कंजॉइंट वास्कुलर बंडल यूजली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली इन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। कह रहा कंजॉइंट में वास्कुलर बंडल में फ्लोएम जो है आउटसाइड में होता है जाइलम के, फ्लोएम आउटसाइड में पाया जाएगा, जाइलम के आउटसाइड में फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉटिलेडनस एंड मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। देखिए ये रिवीजन क्लास है, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि कई लोगों की ये चाहत है कि मैं एक एक पॉइंट पे पूरा टाइम दूं। आप सोच लिए कि क्लास में स्टार्ट किया हूँ 14 से, और 14 मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया हूँ, 7 मई को आपका पेपर है, 3 मई तक हमें पूरे सभी 38 चैप्टर आपको करवाने। अगर मैं एक एक टाइप पे ये वीडियो, जब हम लोग रियल क्लास करते हैं तो यह वीडियो आपका 2 घंटे का होता है, 2 से 2.5 घंटे का एक एक वीडियो है। वहाँ पे कंजॉइंट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, उसको डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं और तब टाइम टेकन होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक, हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन टाइम पे समय बहुत कम है, 1 घंटे में हमें इस चैप्टर को फिनिश भी करना है। मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे 30 मिनट से 50 मिनट ले सकते हैं, और उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिस पेपर करना है, तो यहाँ पे समय कम है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको तो सारी चीज़ें समझ में आ रही, बस आपको रिवाइज करना है। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपको टाइम तो देनी पड़ेगी, आपको मन से पढ़ना पड़ेगा, और आप इतना रिवीजन ही कर चले जाएंगे ना, तो चीज़ों को अगर अच्छे से पीडीएफ को पढ़ के चले जाएंगे तो भी आप कर लेंगे, तो वो आपका काम है कि आप पीडीएफ को पढ़िए, याद करिए, क्योंकि हमारा काम है उसे कनेक्ट करा देना, आपको बता देना कि कैसे कैसे लिखा गया है और इसका पैटर्न क्या है, इसे आपको कनेक्ट करा के आपको समझा देना। बात समझ में आ रही? इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं दिया जा सकता आपको एक टॉपिक पर, और टॉपिक पर जब टाइम देने की बात आएगी हम लोग जब क्लास करेंगे तो वहाँ पर टॉपिक पे हम पूरी टाइम देते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ें मिस ना हो, आप समझ पाएँ। बात समझ में आ रही? चलें आगे बढ़ जाए। तो रिवीजन की क्लास है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने का प्रयास हो रहा है। एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉटिलेडनस एंड मोनोकॉटिलेडनस प्लांट। यहाँ पे एनाटॉमी की बात करेंगे, किसकी बात होगी? डाइकॉटिलेडन और मोनोकॉटिलेडनस प्लांट की। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन ऑफ दीज ऑर्गन्स। डाइकॉटिलेडनस रूट,
द इंटरनल स्ट्रक्चर द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज द फॉलोज। कह रहा है कि इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो निम्न है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिब्लेम। कह रहा है सबसे ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। अभी आपको डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। आई मेनी ऑफ द सेल ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड टू द फॉर्म ऑफ द यूनिसेलुलर रूट हेयर। कह रहा है बहुत सारी यहाँ पे सेल किसमें रूट हेयर जैसा काम करने लगती हैं। द कार्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेलुलर लेयर ऑफ द थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल एंड इंटर सेलुलर स्पेस पाया जाता है। अगला, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। कह रहा अंदर की लेयर को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। इट कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर ऑफ द बार्ल शेप्ड सेल विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। कह रहा यह सिंगल लेयर होती हैं, बार शेप्ड होते हैं और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा किसमें, आपके इंडोडर्मिस में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। उसके बाद टेंजियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव ए डिपोजिशन ऑफ द वाटर इम्परमेबल। कह रहा है कि जो टेंजियल सेल है यानी रेडियल वॉल है, ये वाटर इम्परमेबल है, वैक्सी होती है मटेरियल, सुबेरिन पाया जाता है, फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ऐसे हिस्से को कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। आपको जब हम लोग वो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वाले में तो वहाँ पाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, फिर पढ़ेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट ऑफ द एंडोडर्मिस लाई इन ए फ्यू लेयर ऑफ द थिक वॉल्ड। कह रहा कि इसके बाद जो है कुछ लेयर और पाई जाती हैं जो कि मोटी होती है। पैरेन्काइमेटस सेल रिफर टू एज द पेरिसाइकिल। पैरेन्काइमेटस सेल किस में आते हैं, पेरिसाइकिल की तरफ आ जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट एंड द वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल, द पिथ इज द स्मॉल आर इनकॉन्सिपिकियस। आगे जाएंगे, द पैरेन्काइमेटस सेल व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड कंजेक्टिव टिश्यू। कह रहा जाइलम और फ्लोएम से जुड़ी हुई संरचना या बीच में, द पैरेन्काइमेटस सेल व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। कह रहा पैरेन्काइमेटस सेल के बीच में जाइलम और फ्लोएम, पैरेन्काइमेटस सेल व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल पाए जाएं उसे कंजेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दे आर यूजली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज, लेटर कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस सच एज द पेरिसाइकिल वास्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट टू द स्टेल। अब यहाँ पर अगर देखें तो रूट हेयर है आपका, एपिब्लेमा है, उसके बाद एपिडर्मिस है, कार्टेक्स है, प्रोटोजाइलम है, एंडोडर्मिस है, और उसके बाद पेरिसाइकिल है, पिथ है, मेटाजाइलम है, और उसके बाद आपका फ्लोएम है। तो ये पूरा डायग्राम है, आप डायग्राम को देख सकते हैं, दोनों तरफ डाइकॉट और मोनोकॉट रूट और स्टेम लगे हुए हैं। ठीक है, चलें यहाँ पर आ जाते हैं, मोनोकॉट रूट की बात करते हैं। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट। कह रहा है अगर मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी की बात करें तो डाइकॉट रूट की लगभग समान होती है। इट इज द एपिडर्मिस, यहाँ पे एपिडर्मिस होंगी, कार्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगी, वास्कुलर बंडल होंगे एंड पिथ होंगे। एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट व्हिच हैव द फ्यूअर जाइलम बंडल। अगर डाइकॉट रूट की बात करें तो यहाँ पे डाइकॉट रूट से तुलना करें तो मोनोकॉट में जो है जाइलम बंडल कम होंगे। देर आर यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्च जाइलम बंडल इन द मोनोकॉट रूट। पिथ इज द लार्ज एंड वेल डेवलप, यहाँ पे पिथ लार्ज होगी और वेल डेवलप होगी। मोनोकॉटिलेडनस रूट डू नॉट अंडरगोज एनी सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉटिलेडनस के रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। डाइकॉटिलेडनस सिस्टम, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द टिपिकल यंग डाइकॉटिलेडनस सिस्टम सो दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द क्यूटिकल, इट मे बी ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। द सेल अरेंज इन द मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट ऑफ द कार्टेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर ऑफ द कोलेनकाइमेटस सेल जस्ट बिलो ऑफ द एपिडर्मिस व्हिच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द यंग स्टेम। कह रहा है कि जो यहाँ पे कोलेनकाइमेटस सेल हैं ये नीचे पाए जाते हैं और इनका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कार्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे की लेयर को क्या कहते हैं, कार्टिकल लेयर कहते हैं।
कॉर्टिकल लेयर कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ द राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल, वह गोल थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल से बनी होती हैं, एंड कॉन्सपिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस, और वहाँ पे बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्टेक्स इज कॉल्ड द इंडोडर्मिस, कह रहा अंदर की लेयर जो होती है उसे इंडोडर्मिस कहते हैं। द सेल ऑफ द इंडोडर्मिस आर रिच इन द स्टार्च ग्रेन, ये स्टार्च ग्रेन की धनी होती है, एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द स्टार्च सीट। पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस, कह रहा पेरिसाइकिल जो है पाए जाते हैं इनर साइड पे इंडोडर्मिस के, एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ द सेमी लूनार पैच आर द स्क्लेरेन्काइमा। इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ द रेडियल प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रे। ए लार्ज नंबर ऑफ द वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन ए रिंग, द रिंग अरेंज द वास्कुलर बंडल इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम। ईच वास्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड विथ एंडार्च एंड प्रोटोजाइलम। ए लार्ज नंबर ऑफ द राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्युपाई द सेंट्रल पोर्सन एंड स्टेम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पिथ। तो ये है आपका यहाँ पे डाइकॉट स्टेम और ये है मोनोकॉट स्टेम, ठीक, और ये इसका टीएस। आगे चले, मोनोकॉटिलेडनस सिस्टम। द मोनोकॉट स्टेम हैज द स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, ए लार्ज नंबर ऑफ द स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल सीथ एंड लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड क्लोज, पेरिफेरल आर जनरली स्मॉल देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। कह रहा वाटर यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल एब्सेंट होती है, वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है प्रेजेंट होती है वास्कुलर बंडल में। और उसके बाद डार्सी वेंट्रल यानी डाइकॉटिलेडनस लीफ, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डार्सिवेंट्रल लीव्स थ्रू द लेमिना सो थ्री मेन पार्ट, लेमिना में तीन मुख्य भाग होते हैं नेमली एपिडर्मिस मेजोफिल एंड वास्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स विद बोथ, कह रहा एपिडर्मिस जो है कवर होती है अपर सरफेस यानी एडेक्सियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस जो होती है एबेक्सियल एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद द एबेक्सियल मतलब नीचे वाली सरफेस की बात हो रही है, जनरली बियर मोर स्टोमेटा, नीचे वाली सरफेस ज़्यादा स्टोमेटा रखती है तुलना में एडेक्सियल मतलब ऊपरी सरफेस के। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर कॉल्ड मेजोफिल। मेजोफिल विच पासिस क्लोरोप्लास्ट, मेजोफिल में क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और किस में मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा जो कि किससे बनी है पैरेन्काइमा से। इट इज टू टाइप ऑफ सेल, यह दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं द पॉलीसेट पैरेन्काइमेटा एंड द स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटा। द एडेक्सियल प्लेस, एडेक्सियल मतलब ऊपर वाली, एबेक्सियल मतलब नीचे वाली, द एडेक्सियल प्लेस्ड पॉलीसेट पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ द एलोंगेटेड सेल विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। द ओवल आर राउंड and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cell and extend to the lower epidermis. There are numerous large space and your cavity between the cell. Vascular system includes vascular bundles which can be seen in the vein and the midrib. The size of the vascular bundle are depend on the size of the vein. The vein vary to thickness in the रेटिकुलेट विनेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ। द वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ द थिक वॉल्ड बंडल सीथ सेल। आइसोबाइलेटरल मोनोकॉटिलेडनस लीफ, द एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डार्सिवेंट्रल लीफ ऑफ द मेनीवे। इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफरेंस। इन आइसो बायोलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द बोथ सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस एंड द मेजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू द पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
In grasses, certain adaxial epidermis cell along the vein modified to themselves into the large, empty, colorless cell. These are called the bulliform cell. When the bulliform cell is the leaves have absorbed water and are turgid, the cell surface is exposed. When they are the facid, due to the water stress, they make the leaves curl inward to the minimize water loss. The parallel venation of the monocot leaf is reflected in the near similar size of the vascular bundle except to the main vein as seen in the vertical section of the leaves. और ये हो गया आपका revision, chapter number 6 का revision है आपका पूरा, और 25 मिनट में हमने बहुत तेजी से इसे कवर कराया है। हालांकि वीडियो आपका बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आप इतना ही पढ़ के जाएंगे तो यहाँ से आने वाला एक प्रश्न आप बड़े आराम से कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो है इसका प्रैक्टिस पेपर, और इस प्रैक्टिस पेपर को करने के बाद आप चले जाएंगे चैप्टर नंबर 7 में, जो कि आज ही की डेट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। यानी दो यूनिट मैंने आपसे कहा था कि हम 20 तक ख़त्म कर देंगे, हालांकि आज की आपकी डेट हो गई है, मुझे जहाँ तक लगता है कि डेट 21 है, तो 21 तक आपकी दो यूनिट समाप्त हो गई है। इसके बाद अगली दो यूनिट की मैं बात किया था कि क्लास 11th का मैं अगले संडे तक समाप्त कर दूंगा, मतलब ईमान चलिए कि हमने कहा था 30 अप्रैल तक क्लास 11th ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद 5 मई तक आपका क्लास 12th ख़त्म हो जाएगा। यानी डेली एक यूनिट की बात हमने की थी आपसे, तो आपका सारा कोर्स फिनिश कर देंगे, इस बात को आप भरोसा रखिए, और रिवीजन भी कराएंगे, आपका प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे, और बहुत जल्द ही आपके लिए एक बैच और स्टार्ट होने वाला CUET का। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर जुड़ें और ज़रूर पढ़ें, उनको इसका लाभ मिलेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।